नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास शख्स जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अंदर घर में मौजूद चंद्रिका के ऊपर लगाया है कुछ अहम आरोप, और वो आरोप क्या है वो खुद बताएंगे। हमारे साथ हैं विकी ठाकुर जी। विकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा विकी, आपने अपने सोशल हैंडल पर पहले वीडियो बनाना शुरू किया और तमाम तरह के आरोप आपने लगाए, जिसमें अहम ये आरोप था कि आपके पैसे चंद्रिका की तरफ से लिए गए हैं, और दूसरा आरोप ये है कि आपको धमकी दी जा रही है। सबसे पहले जी, क्या है पूरा मामला, आप अपनी जुबानी बताइए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसा कि आप सभी ने रील्स में देखा होगा जो मैंने डाली है, के उसके साथ एज अ टीम जुड़ के बहुत मेहनत करी गई, बहुत प्लानिंग करी गई, और उन सब प्लानिंग्स को काम करने के लिए जो भी पैसा लगा वो उन्होंने पैसा नहीं दिया, और वो मुझे बिना बताए सीधा बॉम्बे भाग गए। सबसे मेन मुद्दा ये है। उसके बाद मुझे धमकी दी जाती है, मेरे फोन नहीं उठाए जाते, बहुत सारी चीजें जो मेरे साथ करी गई है, मैं भर गया अंदर से। उसके बाद मैंने ये वीडियोस डाली है इंस्टाग्राम पे। विकी, हम यहाँ जाना चाहेंगे, पहले सिलसिलेवार ढंग से जाना चाहेंगे। सबसे पहले आप चंद्रिका को कब से जानते हैं, कैसे मुलाकात हुई, और आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिन पैसों की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से आपने उनको दिया, ये क्या है, थोड़ा बताइए इस पर। सबसे पहले मेरी इससे मुलाकात होती है, आज से करीब 10-15 दिन हो चुके हैं, 10-15 दिन पहले, जब एक मीडिएटर है अपने भाई, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे चंद्रिका का बिग बॉस डन हुआ है और आपको आना है विक्की भाई, आपको सारा सपोर्ट करना है, और आपके पास जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी टीम है, जितना माइंड है आपके पास, वो सारा आपने इसके पीछे लगाना है। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई इंसान जा रहा है तो उसको मदद करी जाए। मैं गया शाम को रजौरी गार्डन, दिल्ली में मीटिंग थी, और मैं एक्चुअली मेरी गाड़ी मुंबई होती है तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं कैब से आ जा रहा था उस टाइम पर, उन दिनों। तो मैं उनके पास जाता हूँ और सारी प्लानिंग्स बताता हूँ। एक्चुअल में ये लोग वायरल तो हो गए, इनको ये तो पता नहीं कि बिग बॉस जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके लिए क्या प्लानिंग सही है, बैकएंड की टीम कितनी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी प्लानिंग्स किस तरीके से चंद्रिका की जो नेगेटिव मार्केट है वो पॉजिटिव होगी, लोग जानेंगे, लोग सुनेंगे, समझेंगे, वो किस तरीके से सारा जो एक चक्रव्यूह है वो मैंने प्लान करा, पूरा प्लान इनको बताया। इनके लिए मैंने एक दिन, मैंने और मेरे साथ मेरी पूरी टीम ने इनके लिए मेहनत करी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मैं घर नहीं जा रहा अपने, कभी 2 बजे जा रहा हूँ, कभी रात में 4 बजे जा रहा हूँ, इस तरीके से बहुत मैंने इसके लिए मेहनत करी। सिर्फ एक जो रिगार्ड था, प्यार था उसके लिए। उसके बाद जो मैंने इनका काम करवाया, जो भी पीआर से रिलेटेड जितना भी काम था, जो भी प्लानिंग्स थी, मैंने इनका काम करवाया। काम करवाने के बाद मैंने इनको बोला कि इनकी बात भी कराई कि यार ये काम आप पहले पता करो कि कितने में हो रहा है, पहली चीज तो मैंने ये बोली। उसके बाद इन्होंने पता करा तो इन्होंने बहुत ज्यादा रेट पे पता करा कि यार ये काम ना इतने में हो रहा है। मैंने कहा रुक जाओ, मेरे पास मेरे कॉन्टेक्ट्स है, मैं करता हूँ। तो मैंने वो काम इनका आधे रेट पे करवा दिया और डायरेक्ट चंद्रिका की फोन पे बात कराई कि लो बात कर लो सारी चीजें। तो चंद्रिका ने उससे बात करी, सारी चीजें डन हो गई, उसके बाद वो काम स्टार्ट करवा दिया। काम मैंने इनको दिया करके, मैंने भेजा, व्हाट्सएप किया कि भाई ये सारा काम आपका हो चुका है, मुझे चंद्रिका मैसेज करती है थैंक यू, और जो मीडिएटर है वो भी मैसेज करते हैं कि हाँ भाई अच्छी बात है, हो गया जो भी है। अब उसके बाद एक दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने अगले दिन इनको अकाउंट डिटेल भेजी कि ये आप अकाउंट डिटेल है, इसमें आप पैसे डाल दीजिए। उस दिन के बाद इसने और इसकी पूरी टीम ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। काम भी मैं करूं, सारी मेहनत भी मैं करूं और पैसे भी मैं ही भरूं इनके, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर ये लोगों ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मैं फोन कर रहा हूँ क्या सीन है, क्योंकि आप समझ सकते हो, ऑडियंस भी समझेगी कि जिस इंसान ने इतनी मेहनत करी, इतना प्लान किया, इतनी मतलब एनर्जी लगाई उस चीज को लेके, और मुझे एकदम से ही मतलब साइड कर दिया गया, बिल्कुल एकदम किनारे कर दिया मुझे, कोई मेरा कॉल नहीं उठा रहा, कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। कुछ दिन बाद जब मैंने फोन करा था तो इसके पति की मेरे पास मिस कॉल आती है, यश नाम है उसका, तो फोन आया मेरे पास, मेरे पास नंबर सेव नहीं था। फिर मैंने व्हाट्सएप पे डीपी देखी तो उसकी थी, तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा हाँ जी यश भाई आपने कॉल किया था, कह रहे यार आपने वो अकाउंट डिटेल भेजी हुई है चंद्रिका को तो किस लिए, वो हमारी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, अभी पेमेंट को लेके हमने डन नहीं करा था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो मैंने कहा भैया एक बार ना आप चंद्रिका से कंफर्म करो, चंद्रिका ने खुद डन किया है और आप सब लोग गाड़ी में ही बैठे थे जब ये बात चल रही थी, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो मीडिएटर है जिन्होंने मुझे मिलवाया है मैं उनसे बात कर क्लियर,
मैंने उनको फोन करा, कह रहे नहीं नहीं विक्की भाई हमारी तो बात हुई थी सारी, कोई बात नहीं आप टेंशन मत लो मैं करवाता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो भी गायब, मीडिएटर भी गायब, इसका पति भी गायब, चंद्रिका भी गायब, सब लोग पूरी की पूरी टीम गायब हो गई। मुझे पता ही नहीं, 2 4 दिन 5 दिन हुए बीच में निकले खाली, मुझे पता लगता है कि ये लोग तो मुंबई आ गए, मुंबई बिल्कुल पहुंच गए मुझे बिना बताए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं रिस्पॉन्स आएगा, बट कोई रिस्पॉन्स, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। बिग बॉस एंटर करने से पहले, एक दिन पहले बिग बॉस चले जाते हैं, मेरे पास फोन आता है मीडिएटर का और चंद्रिका का। चंद्रिका बात करती है कि विक्की भैया आप सपोर्ट करना ये है, तो मैंने उसे टोन मारी, जब इतने दिन मुझसे बात नहीं करी तो मेरा टोन मारना बनता भी है। मैंने कहा कि मेरी आपको जरूरत ही नहीं है, अब तो आपके सारे काम हो चुके हैं, बहुत समझदार लोग आपके साथ में, सारी चीजें हैं। कह रही नहीं आप पीछे से संभाल लेना ये वो। अब वो चाह रहे थे कि जिस तरह उन्होंने मुझे यूज किया अभी पिछले दिन, जितने भी दिन उन्होंने मुझे यूज किया, वो चाह रहे थे कि दोबारा इसका माइंड सेट करके, अब तो ये अंदर जा ही रही है, दोबारा से पीछे से सपोर्ट करें। क्योंकि मैंने सारे इन्फ्लुएंसर, इंडिया के जितने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे पास 150 इन्फ्लुएंसर्स अपने हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनेस है मेरा, साइड बिजनेस, तो सबसे उसकी वीडियो कॉल पे बात कराई, ऑडियो कॉल पे बात कराई, हर जगह उसको कनेक्ट किया पॉजिटिव के, नहीं यार इसको सपोर्ट करना है, बट एंड में वही लोग मुझे धोखा देके चले गए। सारा मुद्दा ये था अभी तक का, जब तक मैंने वीडियो नहीं डाली थी, जब इन्होंने मेरे फोन उठाना बंद कर दिए, उसके बाद जब ये चली गई बिग बॉस के अंदर जा चुकी, उसके बाद मैंने इवनिंग में कॉल करे मीडिएटर को, दो फोन मेरे पास रिकॉर्ड भी है उसका, दो फोन करे, मेरे फोन नहीं उठाए गए 4 बजे के आसपास। उसके बाद जब मुझे इतना प्रेशर हो गया ना, मैंने कहा यार ये विक्की ठाकुर तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मतलब इस काम के लिए नहीं है तू। फिर मैंने शाम को 6 बजे के आसपास शायद एक वीडियो डाली पहली के भाई सारे राज खोल दूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे राज पड़े हुए हैं, सारी चीजें, सारे रिकॉर्डिंग, क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, अगला पिछला एवरीथिंग। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई सब कुछ सॉर्ट करा जाए और मेरे पैसे जो हैं काम के वो दिए जाए, मैं क्यों भरूं, पैसे तो नहीं आते, धमकी आती है चंद्रिका के फोन से, तू दिल्ली आ तेरे को तब बताएंगे, तेरी हवाबाजी निकाल देंगे। मैं तो भूल भी गया और क्या क्या मैसेज उनके, बहुत सारा लंबा सा मैसेज आया था। तो जब मैंने मैसेज देखा तो मैंने कहा यार ये चंद्रिका के फोन से आ रहा है, और चंद्रिका के पास तो फोन ही नहीं है, और उसका फोन या तो उसकी टीम यूज कर रही है या उसका पति यूज कर रहा है। थोड़ी देर बाद ही वो मैसेज अनसेंड हो गया, मतलब वो डिलीट फॉर एवरीवन वाला ऑप्शन आता है जो व्हाट्सएप पे, वो कर दिया गया धमकी। मैंने कहा यार ये तो बड़े तेज लोग हैं। फिर दोबारा मैंने वीडियो डाली कि जो तुम धमकी दे रहे हो या कुछ कर रहे हो तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, माना मैं अभी मुंबई में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली जाऊंगा तब भी वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं कर पाओगे, मैं कंप्लेंट करूंगा आप सबकी, जितने भी लोग हो जो मुझे धमका रहे हो। अभी तक आपने कंप्लेन किया या अभी से प्लान कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बोला है, एक तो पैसे का मामला है, दूसरा आपको धमकाने का मामला है, तो ये कोई जी लीगल एक्शन आप खुद ले रहे हैं या करने वाले हैं, या क्या सोच रहे हैं? जी जो अभी मेरे वकील हैं, जो उनसे भी मैंने बात करी है, और मेरी फैमिली से मैंने बात करी है, और जितने भी बड़े बुजुर्ग मतलब मेरे यार दोस्त हो गए या जो जिनकी मैं बात सुन, सबसे मैंने डिस्कस करा है कि क्या करना चाहिए। तो बस अभी वही सारी चीजें चल रही है कि हमें कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर उसके आने का वेट करना चाहिए या उनकी टीम से कनेक्ट करना चाहिए। कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई उसकी टीम से कनेक्ट मत करो, कल को आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा सकते हैं वो, तो इसलिए मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास आए मुझसे बात करे, बट कोई नहीं आ रहा। यही सब अभी प्लानिंग हमारी चल रही है कि हम लोग कंप्लेंट करें, किस तरीके से करें, कैसे करें, वही सब चीजों पे अभी डिस्कशन चल रही है। सबसे क्योंकि बड़ी यहाँ बात यह है आप कि समझो, यहाँ मुद्दा पैसों का नहीं है, यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट का है। यहाँ पे एक जो उन्होंने मेंटली मुझे परेशान किया है, मुद्दा वो है, जो मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत, मैंने दिन रात एक करा, मुद्दा वो है। यहां पर भी कि एक बात, ये जाहिर तौर से ये बात उठता है, जस्ट बिकॉज कि जब भी कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में जाता है और जब घर के बाहर कुछ बिग बॉस जैसा हंगामा होता है, लाइक आपके साथ हो रहा है, आपने भी बोला चंद्रिका के खिलाफ, मैक्सटर ने भी आपने सुना होगा, उन्होंने भी बोला कि उनकी वजह से, मैंने एक तरह से पूरा बिग बॉस बाहर भी चल रहा है, आपको नहीं लगता कि लोग यही सवाल उठाएंगे कि ये सब सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए हो रहा है? क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो कंट्रोवर्सी होगा और शायद आपको भी मौका मिलेगा बिग बॉस के घर के अंदर जाने का, कहीं इसके पीछे
एक वजह ये तो नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बात आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं मेरी प्रोफाइल पर के यार ये बिग बॉस जाने की प्लानिंग है या कुछ है। तो आपको मैं बात बताऊं और ऑडियंस को भी ये बताना चाहता हूं कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा कि चंद्रिका से जब मैं मिला भी नहीं था आज से 1 महीना पहले, तभी मैं ये पोस्ट डाल चुका था कि मुझे बिग बॉस OTT3 में नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे सलमान खान होस्ट नहीं है। मैं तभी वहां पे ऑडिशन दूंगा या मैं तभी वहां पे ट्राई करूंगा जब वहां पे सलमान खान होगा, सिंपल सा फंडा। और मेरी प्रोफाइल जितने भी लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे देख रहे होंगे, मैं कभी ऐसे कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं चाहता। मतलब मैं एक सिंपल सी, मेरी प्रोफाइल है, मैं सिंगर हूँ, मैं अपने गाने बना करके खुश हूँ, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में आने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हो मैक्सटर्न की, तो देखो उसका काम ही यही है। देखो क्योंकि हर इंसान का ना माइंड सेट होता है, उसका काम ही यही है। पहले जैसे एल्विश वाली कॉन्ट्रोवर्सी चली, अब वो डाउन हो गई, तो वो शायद चंद्रिका वाली जो भी कर रहा होगा आपस में। मेरा तो मुद्दा है, मेरी कंट्रोवर्सी नहीं है, मेरा मुद्दा है, मेरे साथ किया गया है, मेरे पास प्रूफ है। मैक्सटर्न की बात रही तो वो तो प्रूफ नहीं है कोई के उसके बदले उसको भेज दिया, तो ये कोई प्रूफ थोड़ी हुआ। तो उसका चलो काम है कंट्रोवर्सी में रहना और उनका बिजनेस है। देखो वो लोग यूट्यूबर्स हैं और वो लोग सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उन लोगों का धंधा ही है, मेरा नहीं है। मैं सिंगर हूँ और मुझे अपनी प्रोफाइल से बड़ा प्यार है, लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरे गाने सुनते हैं बहुत अच्छे से। तो ना ही कभी आपने पहले मेरे बारे में ऐसा सुना होगा कि ये कंट्रोवर्सी में रहा है या इसने किसी पे एलिगेशन लगाया है। मैं बहुत साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम करता हूँ, मुझे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। और ये बहुत चीज आपने टाइम सही पहले ये बताया, बात सही मैं कहा। बोल चुका था कि मुझे इस बिग बॉस में नहीं जाना। या आपने बोला कि चूंकि आपको बिग बॉस OTT में इसलिए जाना है क्योंकि सलमान खान यहाँ नहीं है, राइट? अभी आप जिस तरह से बिल्कुल सारी चीजें आप लाइमलाइट में आ रहे हो चंद्रिका पर सारे आरोप लगा करके, और नेक्स्ट OTT का वर्जन, मतलब OTT के बाद बिग बॉस TV पर आएगा और उसमें सलमान खान भी आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि वहां पर भी आप कंसिडर हो जाएंगे क्योंकि अभी चर्चा में हैं आप? ये एक वजह, ये भी तो नहीं है? देखिए, वो जिनका वो शो है एंडामॉल या वो कलर्स, वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन लोगों का हक है कि वो किसको लेके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मेरे जैसे शायद लाखों करोड़ों लोग ऑडिशन देते हैं बिग बॉस का, सबको तो वो लेके आएंगे नहीं। और मेरी तो खैर क्या ही कॉन्ट्रोवर्सी है, कौन इतना ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ है। या आप लोग कह रहे हो कि कॉन्ट्रोवर्सी है, मैं नहीं मानता इस चीज को कॉन्ट्रोवर्सी, मैं सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं क्योंकि मैं सही हूं। सामने वाली पार्टी क्यों नहीं रख रही? एक सिंपल सा, अगर मैं आप पे एलिगेशन लगा रहा हूं, मान लो झूठा लगा रहा हूं आप, मान लो, तो आप अगर सच्चे हो तो आप कुछ तो बोलोगे मुझे कि यार नहीं मैं तो यहां सच्चा हूं। अरे कुछ भी नहीं बोल रहे, उनको पता है कि वो गलत है, मेरे पास प्रूफ है सारे। कि आज मेरी बात हुई है, यश से मेरी बात हुई है और उनको मैंने आपकी बात बताई है कि विकी ने ये आरोप लगाए हैं आपके ऊपर और आपको एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो एक्सपोज कर देंगे, और ऑलरेडी उन्होंने वीडियो डाला है इस बात को लेकर के, तो उनका यही जवाब था कि नो कमेंट्स, और ये भी कहा कि मैं जानता हूं, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मैं उनको जानता हूं, मैं उनके साथ मिल बैठ के बात भी किया है, और अगर उनको कुछ एक्सपोज करना है तो वो कर दें, उनका ये कहना था। घर खराब ना हो, मैं यही चाहता हूं। आपस में लड़ते भिड़ेंगे ये लोग, सारे अगले पिछले चिट्ठे, बहुत सारी नॉलेज है, इतने टाइम से काम कर रहा हूं। तो मैं यश को यही बोलना चाहता हूं कि भाई आप लोगों के साथ मिलके हमने एज अ टीम एक टाइम पर काम किया है, रिश्ते मत खराब करो छोटी सी चीजों के लिए, नहीं तो बात बढ़ेगी तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। कि मतलब बेसिकली आपकी डिमांड क्या है, राइट? आपको पैसे चाहिए और आपको क्या चाहिए, मतलब लिटरली आप चाहते क्या है, मतलब अगर एक उनकी चीज, टीम की तरफ से आपको पैसे मिल गया लोगों का माइंड सेट मैं कर दूं आपके माध्यम से, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ऊपर जी। वाले का दिया बहुत कुछ है और हर चीज से सक्षम हूं मैं, ठीक है। इन लोगों की मदद के लिए ही सबसे पहला बंदा मैं था जिसने बोला था कि 2 लाख रुपए तुम्हें मैं देता हूं, पूछ लेना अगर आपकी यश से बात होती है तो, ऑन टेबल चंद्रिका से पूछना। मैंने ये बोला था कि तुम फाइनेंशियली परेशान हो रहे हो कि बिग बॉस आ रहे हैं तो पैसा कहां से आएगा, कैसे लगेगा, PR होगी होगा। मैंने कहा भाई सब लोग सक्षम है, दो दो चार चार पांच पांच लाख भी मिलाएंगे तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। पहला बंदा मैं था जो 2 लाख रुपए देने के लिए मैंने बोला था ऑन टेबल यहीं के यहीं देता हूं मैं अभी, ठीक है ना। पैसों का मैटर एक अलग चीज है, मुझे नहीं चाहिए,
जिससे काम करवाया है मेरे मेरी गारंटी पे, उसको पैसे दो यार, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, मुझे वो चाहिए जिसने मुझे धमकी दी है कि तू दिल्ली आ, वो कंसीडर तेरे को कर तब पाया कि बताएंगे। कौन था, वो उनके हस्बैंड का आवाज था या फिर कौन था वो, आपने पहचाना उनको? आवाज नहीं थी ना भैया, चैट थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो चैट थी, तभी तो वो अच्छा, डिलीट किया गया। ये लो चंद्रिका, चंद्रिका बड़ा पाव, ये लो, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, जी नहीं जी दिख रहा आपको? जी 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 तो ये या मैसेज था, ये डिलीट कर दिया। अच्छा, पहले आपको भेजा गया वो मैसेज, वो धमकी भरा मैसेज भेजा गया, फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया हाँ, गया। उसको डिलीट कर दिया कि तू यहाँ पे आ, दिल्ली तेरी हवाबाजी हम निकालेंगे, रातों रात ये कर देंगे वो। मैसेज था 5-6 लाइनों का कि ये, तो ओके, मैंने तो कहा कोई बात नहीं, ये डिलीट कर दिया, और ये लो और प्रूफ आपने दिखाओ, वापस कॉल बैक मुझे करके बोल पता दिया करने की थैंक्स। कोशिश की कि आपने पता करने की कोशिश की कि ये मैसेज में ऐसा क्या धमकी था और किसने भेजा था? आपने बात किया उस नंबर पर वही तो वापस? मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा ही वो है कि एक तो उसके पैसे दिए जाएं जिसके पैसे देने हैं, आपने काम करवाया तो आप पैसे दो, विक्की ठाकुर क्यों भुगतान करेगा, सिंपल सा राइट फंडा। राइट दूसरा, विक्की ठाकुर को जो धमकी दे रहा है वो सामने आओ, कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, और मेरा क्या कर लेगा भाई, जान से मार देगा क्या, मतलब क्या कर देगा मेरा, जो दिल्ली आऊंगा तो मुझे बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, मुझे वो बंदा चाहिए और उसके अगले के पैसे दो, तो अभी मतलब आपका पागल बना रहे हैं दुनिया को। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट कदम क्या है? मतलब लिटरली अब ये सब पूरा वाक्या हो गया जो, अब नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है? नेक्स्ट कदम, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्कशन चल रहा है इसके खिलाफ कंप्लेंट का, वो करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं, जितने मेरे टीम में है, जितने लोग मेरे बड़े पेरेंट्स हो गए, ये सब लोग कह रहे हैं कि वेट करो, एटलीस्ट उस चंद्रिका को पता तो है, क्योंकि अभी उसको पता ही नहीं है शायद कि बाहर क्या गेम चल रही है, मुझे धमकी आई है, क्योंकि धमकी तो उसके जाने के बाद आई है। पैसे नहीं दिए गए, पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिए गए, क्या है क्या नहीं है, उसके दिल में क्या है। तो कुछ लोग कह रहे हैं, 50% लोग कह रहे हैं कंप्लेंट कर दो, 50% मेरे लोग कह रहे हैं कि रुक जाओ, मतलब वही अब सब चीजें हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये हम खुद आपस में डिसाइड कर रहे हैं एक बारी कि अब क्या करें। आमतौर पर ऐसा होता है जब भी कोई कंटेस्टेंट घर के अंदर होता है और बाहर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के जब कंट्रोवर्सी हो रही होती है बाहरी दुनिया में, तब ऐसा होता है कि उनको एज ए वाइल्ड कार्ड घर के अंदर एंट्री कराया जाता है, राइट? अगर विकी को मौका मिला एज ए वाइल्ड कार्ड जाकर के घर के अंदर जाना हो और चंद्रिका के साथ बात करना हो, तो वो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे और वो क्या बात करना चाहेंगे चंद्रिका से? मैंने आपको बताया कि OTT3 मुझे जाना ही नहीं है, क्यों जाऊंगा, मतलब मुझे उस शो में जाना है जिसमें सलमान खान है, बिना सलमान खान के OTT की, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हाइप है, आप सब लोग भी देख रहे हो, तो मुझे उस शो में जाना ही नहीं, मैं उस शो की बात ही क्यों करूं, मेरा ऐसा कोई लालच नहीं है कि मुझे OTT3 में बुलाया जाए, मैं बहुत दूर हूं, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं, मैं सिंगर हूं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मेरा काम है, बहुत अच्छी फैमिली है, सब चीजें सेटल्ड है, मुझे किसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में और ये सब चीजें, फिर पीछे से बातें हो कि ये कंट्रोवर्सी करी गई थी, ये इसे बिग बॉस जाना था, ये करना था वो करता, मैं अपने टैलेंट पे जाऊंगा, मेरे अंदर टैलेंट होगा, मेरे अंदर कोई खूबी होगी तो बिग बॉस मुझे खुद बुलाएगा। लेकिन लास्टली जाना चाहेंगे, जिन पैसों की बात हो रही है लगभग अमाउंट कितना है, और उसके अलावा आपको कोई और कोई धमकी आई या फिर उसके बाद कुछ, चूंकि वो चैट डिलीट हो गया, इट मीन्स कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये उनकी तरफ से गलती हुई, इसलिए उन्होंने चैट शायद डिलीट कर दिया हो गया। तभी तो वो कह रहे हैं कि नो कमेंट्स, आपकी बात हुई तभी वो कह रहे हैं नो जी कमेंट्स, अरे कमेंट्स करो ना, आप सही हो तो आप कमेंट करो, आप क्यों नहीं अपना स्टैंड ले पा रहे, क्यों चंद्रिका का स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप गलत हो और एक्सेप्ट करो उस चीज को कि हम लोग गलत हैं, विक्की ठाकुर के साथ हमने गलत किया है, वो चीज मानो आप लोग, नो कमेंट्स क्यों। अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं और आपसे सॉरी बोलते हैं, मामला सब यहीं रफा दफा हो जाएगा विक्की? बिल्कुल, उनको बोलनी चाहिए, अगर इंसानियत है थोड़ी सी भी, आंखों में शर्म है, तो उनको ये चीज करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच विक्की हमसे बात करने के लिए, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया, थैंक्स अ लॉट विक्की, थैंक यू सो मच। एक सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपकी यस से जी बात हो ना, तो उसको जी बोलना कि
कि भाई खोल ना बात, क्यों जी नो कमेंट्स, सिर्फ ये बात जरूर बोलना कि विक्की ठाकुर ने ये पूछा है कि नो कमेंट्स क्यों, बता सच्चाई, बता ना क्या दिक्कत है, सिर्फ एक ये पूछना। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और शायद आप, आपकी ऑडियंस और जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सबको समझ आएगा। और प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, ना ही मेरा कोई ऐसा मुद्दा है, ना ही मेरा कोई ऐसा टारगेट है, सिर्फ मुझे मेरा पक्ष लेना था तो वो मैंने लिया सोशल मीडिया के थ्रू, बस। थैंक यू सो मच विकी, थैंक्स लॉट, हमें भी थैंक बहुत यू अच्छा जी, लगा बात करने के लिए, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच विकी, थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू, विकी। थैंक यू।